नमस्कार दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों हम 5 आलू ले लिया हूँ, 5-6 आलू उबाल के रख लिया हूँ। इसका हम छिलका पहले उतार लेते हैं। इसी तरह से हम सब आलू को छिलका उतार लेते हैं। इस तरह से हम सब आलू छिलका उतार लिया हूँ। आलू के हम मसल लेते हैं, सभी आलू के। सभी आलू को मसल के रख लिया हूँ अच्छा से। इसके जला लेते हैं, हम धो देते हैं चूल्हे को। सरसों तेल डाल देते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा। तेल हमारा गरम हो गया है और जीरा का हम थोड़ा मसल लेते हैं और डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। चुटकी हींग डाल देते हैं। थोड़ा सा हम कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, चीर के रखा हुआ। इसे चला देते हैं। कटा हुआ मिर्चा, हरा मिर्चा है दूसरी कटा हुआ डाल देते हैं हरा। अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट है, इसके एक चम्मच डाल देते हैं। इसे चला देते हैं अच्छे से। चलो प्याज हमारा लाल हो गया है गोल्डन ब्राउन कलर में। अब हम मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा हम गरम मसाला आधा चम्मच डाल देते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्चा डाल देते हैं भूखा हुआ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ठीक है, हम इसको चला देते हैं अच्छे से। आधा चम्मच हम चाट मसाला डाल देते हैं, इसके चला देते हैं अच्छे से। मेरा मसाला पक गया है, अच्छा खुशबू भी महक भी आ रहा है। अब इसके हम आलू जोन मैच किया हुआ डाल देते हैं, जोन धरे रहे इसके डाल देते हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, इसे चला देते हैं। सिंगदाने के हम भूज के इसका दाना मसल लिया हूँ, मसल के छिलका इसका उतार दिए हूँ और इसके हम डाल देते हैं। देखिए इसके डाल देते हैं, देखिए अच्छे तरह से हम चला देते हैं। धनिया हरी पत्ती ले लिया हूँ कटी हुई, काट कर रख। इसके हम निकाल देते हैं, इस कटिंग के निकाल के रख देते हैं थाली में, जो गुड़ाने दे गुड़ाई जाए। एक कप को हम आला रोड ले लिया हूँ, थोड़ा सा लाल पाउडर मिर्चा हम डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, ये सब सीते हैं। पानी हम डाल के मिला लेते हैं। अच्छे तरह से मिला लेते हैं घोल के। देखिए हमारा घोल बन गया है, ज़्यादा गाढ़ा ना है ना ज़्यादा पतला। आलू को मेरा भरता ठंडा गया है, अब हम इसको बना लेते हैं। कटोरे से बनाएंगे थोड़ा थोड़ा लेके, इसी तरह से बना लेते हैं।
थोड़ा रोल कर लेते हैं और इसी तरह से अच्छे दाब लेते हैं आप, इसी तरह से बना लेते हैं। इसी तरह से हम सब बना लेते हैं कटलेट्स के, इसी तरह से बना लेते हैं सभी। सब का कटलेट्स बना लिया हूँ, इसी तरह से सब बना लिया हूँ। सेवई के हम अच्छे से बारीक कर लिया हूँ, बहुत तोड़ के मसल के इसके रोट में बोर के अच्छे से, जो हमारा कटलेट्स फटे न अच्छा से इसके लगा देते हैं। इसके लगा के अच्छा से कर देते हैं, इसके रख देते हैं सेवई लगा के। ऐसे ही सब सबके लगाएंगे, ऐसे सबके बोल लेते हैं आरा रूप में अच्छे से बोल लेते हैं, इसके लगा देते हैं। रख देते हैं, सब लगा लिया हम, अब इसके रख देते हैं। देखिए सब कटलेट्स लगा लिया हम, तो हमारा गरम हो गया है। अब हम एक एक करके डाल देते हैं कटलेट्स के, एक एक करके एक एक करके सब लेके डाल देते हैं। इसे हम चम्मच के सहारे से एक करके पलट देते हैं, पलट लेते हैं। अब बहुत मधुर आंच में पकाना है। कटलेट्स हमारा हो गया है गोल्डन ब्राउन कलर में। अब इसके हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। इसके हम डाल देते हैं एक एक करके, इसी तरह से हम सब कटलेट्स के निकाल लेते हैं इसी तरह से। देखिए दोस्तों हमारा आलू कटलेट्स बन के तैयार हो गई है। अब खाई चटनी खाई सकते हैं और चटनी चाय के साथ खाई सकते हैं और दोस्तों बच्चों भी खाई सकते हैं। और हमारा आज के वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।